What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक न्यू हॉरर गेम जिसका नाम है कमला। ये गेम पूरा का पूरा इंडिया में बना है और इस गेम की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस गेम में कमला नाम की एक शरीफ सी भोली सी लड़की होती है और उस लड़की की शादी कराई जाती है। पर शादी होते ही, जैसे ही कमला अपने नए घर में जाती है, उस घर में जाते ही कमला की बॉडी के अंदर कोई भूत की आत्मा एंटर कर जाती है और फिर क्या, कमला धीरे धीरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपने घर में लोगों की जान ले लेती है और फिर उसके बाद कमला की पूरी फैमिली उसको उसी घर में छोड़कर वहां से चले जाती है। अब इस गेम में एक घर है जिस घर के अंदर कमला अकेली रहती है, जिसके अंदर किसी एक भूत की आत्मा है और हम है इस गेम के तांत्रिक, हमें जाकर कमला को ठीक करना है। मतलब कि कमला के अंदर जो भूत आया है उस भूत को कमला की बॉडी से निकालना है और कमला को पहले जैसे ठीक करना है। भाई देखो, हॉरर गेम्स तो बहुत खेली हैं, अक्सर हॉरर गेम्स में हमें भूत से बच के भागना होता है, बट यहाँ पर एक भूत का ट्रीटमेंट करना है। तो लेट्स गो, इंडियन हॉरर गेम है, मजा बहुत आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कमला के घर में। ओके, तो ये कमला की शादी कराई जा रही है। कमला शादी करके अपने नए घर में आ चुकी है और ये देखो, कमला के ऊपर कोई भूत सवार हो गया। भाई कोई आत्मा इसकी बॉडी में एंटर कर चुकी है। और कमला भाई लोगों को मार रही है। उसके पति ने काफी सारे नोट लिखे छोड़ दिए। तो अब भी हम लोग आ चुके हैं वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि ये एक इंडियन हॉरर गेम है, तो हमें हर जगह हिंदी के मंत्र, हिंदी लेटर्स, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। यार काफी अच्छा फील होता है ये सब देख के। फिलहाल हम लोग कमला के घर पर जा रहे हैं। मैं एक तांत्रिक हूँ पर फिर भी यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सुनसान है यार। कैसे से एरिया में रहते हैं लोग? घर आ चुका है, सामने बहुत बड़ा दरवाजा है और ये क्या लिखा है, पेशाब करना मना है। वाह भाई, प्रभाकर निवास। हमें घर के अंदर जाने मिलेगा? दरवाजा खुल चुका है भाई घर का। इतने बड़े घर में कमला रहती है भाई, ये कोई गांव के बीच में बहुत ही बड़ी हवेली टाइप लग रहा है। और जो मेन दरवाजा है घर का यार, उसमें आग लगी हुई है, यानी मुझे किसी विंडो से अंदर जाना है। यहाँ पर खिड़कियाँ तो हैं बट मुझे लगता नहीं है खिड़कियाँ खुलने वाली है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली कमला घर के अंदर ही बंद रहे भाई, उसके परिवार उसको यहीं पर एकदम छोड़कर चला गया बंद करके। यार मैं अंदर कैसे जाऊँगा घर के? मुझे आँख को भुजाना है क्या, क्योंकि सारी की सारी खिड़कियाँ बंद है। ओए, अपने घर के बाहर ये कौन लगाता है भाई? ये तो फांसी लगाने का फंदा है। क्या तरीका हो सकता है? इस तरफ तो भाई घना जंगल है और दीवार है, मतलब घर के अंदर एंटर करने का रास्ता। वेट, मुझे आग ही बुझानी है। मुझे यहाँ पर एक ये मस्त बर्तन मिल चुका है जिसके अंदर मैं पानी भरकर बुझा सकता हूँ आग, और पानी मुझे यहाँ से मिल जाएगा ड्रॉप ड्रॉप। चल भाई, अरे इसमें से तो एक एक बूंद गिर रहा है, रात तक भी नहीं भरेगा ये। मुझे किसी ना किसी तरीके से ये हैंडपम्प चलाना है। इधर एक लकड़ी पड़ी है, इससे चलेगा? ये हैंडपम्प का टूटा हुआ पीस, कुछ तो लोहा चाहिए। इधर पंखा गिरा हुआ है। हैंडपम्प कैसे चलाऊं यार मैं, क्योंकि हैंडपम्प चल गया ना तो हमें पानी मिल जाएगा और फिर हम लोग इस घर के मेन दरवाजे की आग बुझा लेंगे। मुझे ऐसा लग, भाई यहाँ चक्कू पड़ा है। चक्कू, गिलास, गैस स्टोव, भाई कितना सारा सामान उठा उठा के बाहर फेंका हुआ कमला ने घर से। ओ वेट, हैंडपम्प का जो टूटा हुआ पीस है वो मुझे मिल चुका है। अब मैं इसे उसमें लगाकर पानी निकाल पाऊंगा और घर के मेन डोर की आग बुझा पाऊंगा। भाई फाइनली कोई तो काम की चीज़ मिली मुझे। इसको यहाँ लगा देते हैं और चल भाई। ओ वाह, पानी आ गया भाई, लेट्स गो। अब हम लोग आग को बुझा कर घर के अंदर जा सकते हैं। ये उठा लेते हैं, इसको डालते हैं भाई इस जगह पे। ओ वाह, आधी आंख बुझ चुकी है, आधी आंख बाकी है, तो थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। इसको वापस यहाँ पे रखते हैं, हैंडपम्प चलाते हैं
वेरी गुड। क्या कितनी खतरनाक आवाज़ निकाल रहा है, बस बहुत है ना इतना पानी। चलो, हमने दो बार पानी फेंक फेंक के आँख बुझा दिया और शायद से अब मैं इस घर के अंदर जा पाऊँ। लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं। यूज बेड्स एंड वार्डरोब्स टू हाइड फ्रॉम कमला। हमारा फर्स्ट टास्क है फाइंड कमला। देखो यार, जैसा कि मैंने बताया था, ये गेम बाकी हॉरर गेम की तरह नहीं है जहाँ पर हमें भूत से भागना होता है। यहाँ पर हमें भूत को ढूंढना है, उसे ठीक करने के लिए। चुपो, फोन कौन कर रहा है भाई, तार तो कनेक्ट ही नहीं है। बाकी हाँ यार, एक बात तो है, देख के पता चल रहा है कि यार एकदम प्रॉपर विलेज वाला हाउस है यार, एकदम इंडियन स्टाइल सोफा चेयर, क्या बढ़िया भाई। दरवाजे भी एकदम, भाई मेरे नाना के घर में ऐसे ही दरवाजे हैं। एक सेकंड, मैं आ तो चुका हूँ घर में, और ये ओ भाई एकदम प्यारा वाला इंडियन किचन। क्या भाई, ये देखो सिंक विंक बना रखा है यहाँ पर इधर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई खराब टीवी चल रहा हो। ओ, ये बल्ब खराब है यार, ये कुछ ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट नहीं हो रहा घर के अंदर। ओ, फूट ही गया। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई बाहर जाना यार। मैं तांत्रिक नहीं हूँ कमला भाई, मुझे छोड़ दे यार। मैं वापस आ, इतना ज्यादा अंधेरा यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूँ। ये कौन है यार, यही है कमला, ढंग से फोटो दिख नहीं रही, काफी ब्लर है, पुराने जमाने के कैमरे से खींची होगी शायद। ये एक दरवाजा यार, घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पर कुल्हाड़ियों से मारती है क्या वो इंसानों को। ये देखो भाई, ये देखने के बाद तो हाँ भाई पता चलता है इंडियन हाउस ही है भाई। ये देखो, ये मस्त है भाई, एकदम पुराने दिन याद आ गए। यहाँ पर एक बक्सा पड़ा है, खाली है, जो कि यहाँ से अभी तक मैं एक बार भी स्ट्रेट नहीं गया हूँ। अबे नहीं, मैं यहाँ पर आया था, मैं घुमा फिरा के एक ही जगह पर पहुँच जा रहा हूँ। इधर कुछ रखा है, चार पांच हाथी है जिसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये कोई तो पजल है जिसमें डायरेक्शन सेट करके ये ड्रॉर खुलेगा, और इस ड्रॉर में से कोई तो इम्पोर्टेंट आइटम निकलेगा। और ये क्या है भाई, वॉल पे ब्लड ब्लड रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ तो है भाई, ये जगह कुछ तो है, पर ठीक है। यहाँ पर एक कैब, ओ वेट, कैबिनेट था, इसमें भी कुछ नहीं है। यार मुझे इस घर को ना जल्दी से जल्दी पूरा नक्शा याद करना होगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार अभी तो। ये एक दरवाज़ा है। ओ, ये इस घर का मंदिर है भाई, पर मंदिर में भगवान जी की मूर्ति ही नहीं है यार, हनुमान जी की फ़ोटो लगी है, कैलेंडर है, मतलब इधर कुछ तो इनकम्प्लीट है भाई। ये कौन सी जगह है, ओ मैं किसी घर के बैकयार्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ लिखा है भाई, मौत करीब है। कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही। तो यहाँ पर आग जल रही है, और शायद से तांत्रिक को एक यही एरिया चाहिए होता है ना पूजा पाठ करने के लिए, तो मुझे यहीं पर कुछ तो करना है। ये अंदर कुछ रखा है, क्या लिखा है उस पर, गंगा जल है भाई वो, मुझे गंगा जल चाहिए होगा वैसे इस गेम में, क्योंकि भूत भगाने के लिए यही सारी सामग्री लगेगी यार मेरे हिसाब से तो। पर समझ नहीं आ रहा भाई, मैं कमला को कहाँ से ढूंढूं, और मैं अभी तो घर की अलग ही साइड आ गया हूँ यार, कुआं है यहाँ पर, और यार सचमुच में अभी बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया यार, सच बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, वो इधर कुछ रखा है, प्रेयर प्लेट, प्लेस आइटम इन द कोर्ट यार्ड। मुझे पूजा करने की प्लेट मिल चुकी है, जिसको मुझे कोर्ट यार्ड में ले जाके रखना है, और मेरे पास ना स्टैमिना कम है, यानी मैं कमला से बचकर बहुत ही मुश्किल से भाग पाऊंगा, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओ, कमला ने आवाज सुन ली। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, मुझे तो दिखी नहीं थी कमला कहाँ है। मैंने जैसे उस प्रेयर प्लेट को वहां पर रखा, मुझे बहुत तेज कमला के चिल्लाने की आवाज आई है भाई,
मतलब कुछ तो सीन है। मुझे आवाज आ रही है भाई, लेफ्ट से आवाज। अरे घंटी बज गई। अरे क्या हो रहा है ये सब? ओ नहीं, घंटी नहीं, घंटी नहीं, घंटी नहीं। भाई मेरे को कमला के ना घुंगरू की आवाज आ रही है, पर अभी तक मुझे कमला दिखी नहीं भाई कहीं। वो मेरे आसपास ही है। ओ वेट, मुझे एक टास्क मिला है। प्लेस आइटम्स इन द कोर्टयार्ड। प्रेयर प्लेट, कैम्फर, सॉल्ट बॉल, प्रेयर बुक, होली वाटर और कलश पॉट। तो ये 6 आइटम्स मुझे कोर्टयार्ड में लाकर रखने हैं ताकि मैं पूजा स्टार्ट कर पाऊँ और कमला के शरीर से उस प्रेत को, उस भूत को बाहर निकाल पाऊँ। पर वो जगह कहाँ थी मुझे ये नहीं पता। यहाँ पर मैंने प्रेयर प्लेट रखी थी। भाई यार अभी तो यार कमला बहुत खतरनाक। ये कमला का ही रूम था मैं जिसमें से निकला हूँ। वाओ, लेफ्ट लेफ्ट राइट अप। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। छुपाऊ भाई छुपाऊ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा भाई। रहा अरे तो गाने गा रही है भाई। भाई लेफ्ट लेफ्ट राइट अप, मुझे ये याद रखना है ठीक है। कमला भाई, कमला बहन बहुत खतरनाक है यार। पंखा गिरा था, क्या हुआ था मुझे तो समझ ही नहीं आया, शोर क्यों हुआ? मैं किसी चीज से टच तो हुआ था मुझे लग रहा है ऐसा। यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स हैं। लेफ्ट लेफ्ट राइट। अरे यार वो जगह कहाँ थी? यहाँ पर घंटी है, मुझे इन घंटियों को देख के इनसे बच के चलना है। अगर इस पे मैं टच होता हूँ तो आवाज़ हो जाती है और कमला को मालूम पड़ जाता है मैं कहाँ पर हूँ। अब मैं समझ गया क्या सीन है। कमला तू, अब तू देख, उन्हें मैं देख, मैं देख, लेफ्ट लेफ्ट। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। मैं जा रहा हूँ ऐसे, मुझे उसके घुंघरू सुनते रहने हैं। अगर उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है, वो देखो वो रही सामने, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मुझे वापस उस जगह पे जाना है बट, क्योंकि जो पजल मुझे सॉल्व करनी है वो वहीं पर थी। यार एक क्या करूँ, मुझे घर के रास्ते नहीं याद हो रहे हैं यार, सारी प्रॉब्लम तो यही है। मैं पता नहीं कहाँ से जाता हूँ, कहाँ को निकलता हूँ। आई थिंक मैं घूम के उस जगह, घंटी, इन घंटियों से बच बच के। कमला के घुंघरू की आवाज़, इसमें कुछ भी नहीं है। उसकी घुंघरू की आवाज़ आ रही है जो कि पीछे को जा रही है। वो पजल किधर थी यार? ये घंटी है रे, पजल वो रही सामने सामने सामने। लेट्स गो, मुझे याद होगी थोड़ी जगह। लेफ्ट लेफ्ट राइट अप। और मुझे इसमें से मिल चुका है कपूर, कैम्फर। लेट्स गो, कपूर को अब ले जाकर हम लोग रख देते हैं ना। मुझे कपूर को ले जाकर रखना है जहाँ पर हमें कोर्ट। मैं जा रहा हूँ। मुझे कपूर को कोर्टयार्ड में ले जा कर रखना है जहाँ पर हमें पूजा करनी है। मुझे लगता नहीं है भाई ये इतनी आसानी से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि कमला भाई पता नहीं, मैं जिस भी कमरे में जा रहा हूँ, जिधर भी जा रहा हूँ, उसकी घुंघरू की आवाज़ मुझे आ ही रही है। तो कपूर यहाँ पर रख देते हैं। ओके, ये कमला का कमरा है, कमला आ रही है। कमला से जितनी दूरी बनाओ, घुंघरू की आवाज़ सुनते ही भागो भाई, उतने ज़्यादा सेफ रहेंगे फिर हम। अभी ना रिस्क मैं बिल्कुल ले ही नहीं रहा। घुंघरू की आवाज़ आई, पहली फुर्सत में गायब। 483 कोड डालना है यार, याद नहीं आ रहा वो जगह कहाँ पर है। बस ब्रीफ केस रखा हुआ था उस रूम में, ये है क्या वो रूम? ओह भाई इधर बेल है। ना ना ना, मैं इधर जा ही नहीं रहा, मैं जाऊँगा ही नहीं अंदर, लालच दे रहे हैं भाई। इधर किचन वाला रूम है ना? हाँ ये किचन आ गया। किचन से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ तो ये पता नहीं कौन सा एरिया है, और अगर इस एरिया से मैं लेफ्ट जाऊँ तो इधर तो कुछ भी नहीं है। एक ये रूम था जिसकी चाबी मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है।
ये वाले रूम में था ना, हाँ ये रहा भाई, गेट बंद कर सकते, वेरी गुड। यहाँ डालना है कोड, एक सेकेंड, 4, काश खुल जाए, 8, 3, प्लीज ओपन हो जा, नाइस। हमें प्रेयर बुक मिल गई, ये देखो भाई, प्रेयर प्लेट हो गया, कैम्फर हो गया, हॉली वाटर हो गया, अब हमें चाहिए प्रेयर बुक, सॉल्ट बॉल और कलश पॉट, जिसमें से हमें प्रेयर बुक मिल चुकी है, हनुमान चालीसा, जय हनुमान जी की भाई, इसको ले जाके रख देते हैं यार। बस रास्ता एक तो मैं भाई, अभी तो हनुमान चालीसा मेरे आगे नहीं, नहीं 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 नहीं, इधर से ही आ रही है वो, जिस रास्ते से वो आ रही है उस रास्ते से भाई बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है कहीं का भी, चाहे बहुत बड़ा लॉन्ग कट मार के जाऊं, पर मैं कमला के आगे से नहीं जाने वाला यार। सही बताओ ना, कमला यहीं कहीं घूमे जा रही है बार बार, और वो कहीं दूर जाने का नाम ले ही नहीं रही है, उसकी घुंघरू की आवाज़ मुझे बहुत देर से आ रही है, पर पता नहीं चल रहा है कि आखिर है कहाँ वो। वैसे अच्छी बात है नहीं पता चल रहा, इसका मतलब हम लोग उससे काफ़ी डिस्टेंस बना ले रहे हैं जल्दी में। पर जहाँ भी मैं जा रहा हूँ भाई, 2-3 कमला है क्या यार? यार मुझे कोर्ट यार्ड में जाना है, बहुत देर हो गई, वो पता नहीं ऐसे कौन से रास्ते में घूम रही है, जैसे ही मैं उधर जाने लगता हूँ उसकी घुंघरू की आवाज़ बढ़ जाती है। चुका यार, वो देखो सामने, वो हमारे बहुत करीब ही घूम रही है यार कहीं तो, आ चुका इस बार तो, शुक्र है सामने ही मेरे ये वार्डरोब था। करूँ तो करूँ क्या यार, मुझे कोर्ट यार्ड हनुमान चालीसा रख कर आनी है, पर यहाँ से हटे तो रास्ते से, तब तो जाऊँ मैं आगे। भाई कमला मुझे कोर्ट यार्ड ही नहीं जाने दे रही यार, कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है क्या यार? मैं हर रास्ते से घूम के जा रहा हूँ, पर एक ही रास्ता है ना वहाँ पे जाने का, या तो कोई और रास्ता जो कि अभी खुला नहीं है, ये तो बाथरूम होता है ना ये वाला, हाँ मैं दोबारा से रिस्क ले रहा हूँ, मुझे क्रॉस करना पड़ेगा कमला को कैसे तो, वो शायद से मैं आ गया सेफली। भाई 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 पहुँचने वाले हैं हम लोग, लेट्स गो, स्टैमिना चाहिए होगा पहले, क्योंकि मुझे फटाक से छुपना भी है। रुको ये जगह सही है, यहाँ पर रखते हैं हनुमान चालीसा और यहाँ से सीधा भागते हैं। ये तो उधर से आ रही थी, छुप जा छुप जा। खराब प्लानिंग, कहने को एक ही बार मरा हूं, पर नहीं एक बार भी नहीं मरना है यार। मुझे उसने किसी तो पजल में ला के वापस से फंसा दिया। अच्छा वही ब्रिक ब्रिक वाली पजल है, 1, 2, 3, 4, 4 ही हैं, 5 है, 1, 2, सबको एक साथ गिराऊंगा, ठीक है। सेफ यार, मैं जिधर को भागा कमला वहीं से आ रही थी। अरे यहाँ तक आ गई भाग के यार, क्या हो रहा है? नहीं यार अभी तो हमें दो चीजें और ढूंढनी है, क्या मैं ठीक कर पाऊंगा कमला को या नहीं पता नहीं भाई, जाने देते हैं कमला को पहले, जाने देते हैं आराम से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। उस बार मैं बहुत प्लानिंग में था कि जैसी आएगी भाग कर उधर जाके छुपूंगा, भाई कमला वहीं से आ रही थी यार, और एक तो तांत्रिक बुड्ढा है बेचारे में स्टैमिना नहीं है। इधर कुछ है? इधर कुछ भी नहीं है वैसे, कमला आ रही है यार। एक तो ना कमला ने मुझे बहुत ही बुरी तरह फंसा लिया एक ही जगह पे, मुझे यहाँ से आगे ही नहीं जाने दे रही है, खुद ही इस जगह पे घूमे जा रही है यार। मैं आगे जाऊँ तो जाऊँ कैसे? ये इसी रास्ते से आगे जा रही है और इसी रास्ते पे वापस आ जाती है। ये देखो ये वापस आ रही है, बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ से निकलना अभी। भग 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 भग, अरे बाप रे यार मार देगी भाई ये। एक ही रास्ता बचा भाई, वो टनल के थ्रू रास्ता ढूंढ के सीढ़ी चढ़कर निकलो, तब मैं जा सकता हूँ।
वरना वो जिस हिसाब से यहाँ पर घूम रही है ना, दिक्कत तो है। ये ड्रॉर चेक करें मैंने, मुझे चाब, मैंने इतनी देर से ड्रॉर ही नहीं चेक। अरे सॉल्ट बॉल भी मिल गया और मुझे एक चाबी भी मिल गई भाई। लेट्स गो, यहाँ पे मंदिर है। कमला इधर से बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे इधर ये रखना है और भाग के जाना है मंदिर में। सेफ हूँ मैं, सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है। सॉल्ट बॉल इतने टाइम से ढूंढ रहा था भाई, मैं सामने पड़ा हुआ था यार। मैं सोच रहा था किचन में होगा, डाइनिंग टेबल पे होगा, दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए था यार। बाकी भी मुझे एक चाह भी मिल चुकी है। कमला मुझे इस जगह पे कुछ नहीं कहेगी, बट मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी थी, मेरा गेम आई थिंक ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, पता नहीं क्यों। सॉल्ट बॉल रखते कुछ तो हुआ है। कमला कमला मुझे इधर कुछ नहीं कहने वाली, उसको जाने देते हैं। मेरे पास ये जो चाबी है, इस चाबी से एक और सीक्रेट रूम था ना कोई, तो जिसमें लॉक लगा हुआ था। पर यार अभी क्या और डरावना हो गया भाई गेम। भाई रुक जाओ, रास्ता बदल लो भाई, कमला आ रही है तो रास्ता बदलो। ये देखो ये एकदम ही ख़त्म हो गया, मतलब इसके थ्रू मुझे कलश का लोकेशन पता चल रहा है क्या? ये मुझे किसी चीज के तो पास लेकर जा रहा है। और लास्ट आइटम कलश ही बचा है भाई। कमला तो, कमला के पास तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि कमला के पास ही ये बढ़ रहा है। इसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि कमला कहाँ पे है। भाई डरावनी है भाई कमला। कमला यार आज भाग लेने दे यार, मतलब भाग नहीं तो ठीक कर लेने दे। हर हॉरर गेम में भूत से भागना होता है ना, तो बार बार मुंह से वही निकल रहा है यार। अभी जिधर मुझे जाने के लिए ये बोल रहा है, देखो स्मोक भी जो है ना वो बढ़ता चले जाता है, पर जिस तरफ ही मुझे जाने के लिए बोल रहा है ना, उस तरफ कमला घूम रही है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, इधर जाने पे बढ़ रहा है। ये देखो हिल रहा है। कलश यहीं आसपास है कहीं, उधर की तरफ से आऊं क्या? इधर कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ अभी, क्योंकि ऊपर तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कहाँ पर है क्या नहीं है। एक बारी बेसमेंट भी चेक कर ले भाई, हो सकता है बेसमेंट में हो, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। वो ये फुल हो चुका है भाई, कहीं तो है। क्या है ये गाइस? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद से मेरी गेम ग्लिच हो चुकी है क्या, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मैं इसकी डायरेक्शन फॉलो करके उस जगह पे पहुंच रहा हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। वहाँ पे बेसमेंट में चेक कर रहा था, और टॉप पे सीन क्या हो रहा है कि उस तरफ जा रहा हूँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ से मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पे मेरी स्टिक भी हिलना स्टार्ट हो रही है, पर इधर से आगे मैं जा ही नहीं सकता यार। एक तो गेम में अंधेरा और हो गया भाई, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। मुझे बस इस वॉल के उस तरफ जो कमरा है उसमें जाना है, पर कोई रास्ता ही नहीं है यार उधर जाने का। इधर से जाता हूँ देखो दीवार आ जाती है, बाहर से जाऊं क्या? किधर से है भाई रास्ता? इधर से है क्या कोई रास्ता? इधर से तो ऐसा लग रहा बाहर कहीं आग लगी हुई है। अच्छा वो तो ये वाली आग की आवाज है ना। कहाँ खो गया हूँ मैं? भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ढूंढ ढांडी कर ली है, समझ ही नहीं आ रहा यार कलश है कहाँ पर। मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर जाकर वापस आ चुका हूँ, इसके अंदर तो नहीं है। पता नहीं यार क्या हो क्या रहा है। इधर भी मैं गया था, बंदा जाए तो जाए किधर भाई, खा जाएगी वो। इसके बेसमेंट में दोबारा जाऊँ क्या एक बारी? क्योंकि बेसमेंट में जाके ना इसका मीटर फुल तो हो रहा है यार बेसमेंट। ओह अभी मैं बेल से टकरा जाता। अरे मिल गया कलश पॉट, वाह मैं इतनी देर से यहाँ पर आया था, पहले भी मैंने सेम ही करा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पर ठीक है कांग्रेचुलेशंस खुद को भाई। फाइनली हमें लास्ट आइटम मिल चुका है भाई, लेट्स गो लेट्स गो। हमने सब कुछ कर दिया, अब बस कमला के हाथों आके मरना नहीं है। मैं पीछे वाले रास्ते से जाता हूँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, बट फ़ायदा नहीं है इस रास्ते से जाने का।
बेटर होगा कि अगर हम लोग उन सीढ़ियों का यूज़ करें ऊपर जाने के लिए। अरे यार क्या कन्फ्यूजन हो रही है भाई। ये रास्ता है, यहाँ से स्ट्रेट जाना है, ये बंद होगा, राइट लेफ्ट सब कुछ तो बंद है यार। अभी वापस उसी सीढ़ी पे पहुँच जाऊँगा, देखना यहाँ पे है पजल। यहाँ से अगर स्ट्रेट जाऊँ तो ये आ जाऊँगा मैं पीछे वाले रास्ते पे। नाइस, अब बस मुझे कलश पॉट जाके रखना है, लेट्स गो, सब हो जाएगा। मैंने सब कुछ ढूंढ लिया ना, रुको, यस लास्ट यही चीज़ रह रही थी, ऊपर चलते हैं भाई। कमला तू अब भाड़ में जा। लोग उठाकर, भाई हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया और कमला को, कमला के अंदर का जो भूत था ये तो भागती हुई मेरी तरफ ही आ रही है। ओ भाई फाइनली भाई, हम लोगों ने कमला को मार तो नहीं दिया, उसके अंदर जो भूत प्रेत था उसको शायद निकाल दिया और अभी वो बेहोश हो चुकी है। तो ये है वो तांत्रिक जो कि हमारा कैरेक्टर था। देखो यार कितना बुजुर्ग है, इसलिए नहीं भाग पा रहा था। कमला ठीक होके वापस फैमिली से मिल रही है। ये क्या हो रहा भाई, इस गेम का पार्ट टू भी आना है क्या, क्योंकि तांत्रिक कुछ अनसेफ दिखाया गया लास्ट में। तो मैड मंत्र गेम्स बहुत ही बढ़िया गेम बनाया यार, मतलब मजा आ गया खेल के।